अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और मैसेज की जानिब। देखते हैं इस वक्त ये कौन है हमारे साथ और क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर सलाम साहब। 3 महीने का बकरा है जी। तो इसे हम लेके गए थे डॉक्टर के पास। 2 दिन हो गए अच्छा। मोशन के लिए ना, काफी मोशन कर रहा था। मोशन इतने कर रहे थे कि उसका मोशन के बदले पानी आ रहा था ना, तो डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगा थी। तो अच्छा, तो वो बता रहे थे 3 महीने के, जैसे कि इनको जानवरों को कीड़े की दवाई देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मोशन डीवर्मिंग बंद के हो लिए तो ये कीड़े की दवाई पिला देना, कीड़े की दवाई। और मोशन अच्छा। हो तो फिर ये सीरम देना। अभी ना ये पोटी कर रहा है, लेस वाली कर रहा है, जाग है उसके अंदर ना, तो मोशन जागे। टाइप। इसको और हाँ, मैंने गैस भी साथ साथ ना मार रहा है, और अच्छा पका जैसे कि वाशरूम भी कर रहा है। लेस और ना जाग है वाशरूम के अंदर ना, गाढ़े थोड़े मोशन। गाड़ी में मोशन ये मेरी बेटी है जी। फिर इसने कोई दवाई भी अब दिखाई आप है। मुझे बताएं कि मैं ये हाँ। मोशन का सिरप दूं या कीड़े वाली दवाई दूं, अच्छा मोशन का आप मुझे सी बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये और हैदराबाद से है बच्ची, कितने इसने ही वो पहले। हाँ देनी है, सिरिंज होती है ना, वो कितने सिरिंज देनी है? उन्होंने तो 8 सिरिंज बताई थी, 8 सीसी। अच्छा आप जरा मेहरबानी करके बता दें वेरी। मुझे। चलिए मेरा बिट्टू, अभी मैंने क्या रिस्पॉन्ड। ये छोटी उम्र का है, बहुत छोटा। आप बता रही है 3 महीने से छोटा है, कम है। तो फिर क्या इसका मतलब है कि इसका बड़े एहतियात से, मेरा बेटा ये बहुत एहतियात से इसको डिहाइड्रेशन लगने की वजह, और इसको जो है ना नमक घोल वाला वो पानी पानी में है और दही में कुछ थोड़ा सा दही ले लें, उस पे इसबगोल का छिलका वो चमचों के साथ कुछ खिलाएं। बुखार था तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, तो अब आराम है, अब बुखार नहीं। अच्छा ये इसको मैंने बच्ची को बाकी समझा। मोशन का है, मोशन का है जी, नमकोल का पानी। नमकोल का कौन से पानी, नमकोल का पानी ORS जो बेटे? ये ORS होता है जो आम इंसान भी था वो पीते हैं, पानी वो देख लेना। ORS, ORS के साशे मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से। एनी हाउ दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटी बच्ची, इसने ये हैदराबाद से है, हैदराबाद सिंध से, पाकिस्तान से। इसी तरह मुझे हैदराबाद दक्कन से भी कॉल मौसूल हुई थी, वो भी बकरी के बच्चे की थी या भेड़ के बच्चे की थी, भेड़ के बच्चा गालिबन, और उसका भी स्टॉमिक ही अपसेट था। वो तो खैर उसकी माँ नहीं थी, तो वो दूध पिला रहे थे भैंस का। वो उसका फिर मैंने इलाज बताया, अभी फीडबैक नहीं मिली इंडिया से, लेकिन ये बेटी ने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल बेटी है, हैदराबाद से है, छोटी है, लेकिन ये है कि पीछे पीछे लगता है माँ जो है ना उनकी, इसकी वो पीछे से आवाज़ आ रही होती है, वो असिस्ट कर रही होती हैं, और के ये बता दे ये तो। शी इज़ क्वाइट आई मीन कंसर्न भी है, अच्छा है। बच्चे छोटे बच्चों की अगर ट्रेनिंग होगी तो आगे बड़े होंगे ना जब, ये तो ये ज़्यादा एनिमल लविंग होंगे और केयरिंग होंगे, और इस तरह ये इसका जब छोटा बिल्कुल मेमना हो छोटा, तो उसको बचाए इसके कि हम कोई ऐसी उनको इंजेक्शन लगाने शुरू कर दें, या इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि उनका देसी तरीके से और सेफ तरीका वो अपना के उसको ठीक कर लिया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दही और इसबगोल के छिलके से ही ठीक हो गया। ये मुझे बाद में आई है इसकी काल, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। अभी
टाइम काफ़ी रात का वक्त है, मैं सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक जो वॉइस मैसेजेस में मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, वो कम से कम रिकॉर्ड हालत में आके यूट्यूब का हिस्सा बन जाए, और ये बच्चे भी और जो भी कॉलर होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब ने अपलोड नहीं किया, मेरी आवाज़ नहीं आई, तो जो 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 ही अपलोड होगा मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा उस उनके नंबर पे। लिहाजा जो भी कोई मसला पूछना चाहे वो वॉइस मैसेज के ज़रिए प्लीज़ पूछ सकता है। यार जिंदा, सोहबत बाकी, इंशाल्लाह मैं हेल्प आपकी करता रहूँगा। ये समझे कि एक हेल्पलाइन है, फ्री हेल्पलाइन है, ये नोबल डीड है, नोबल डीड्स फाउंडेशन जिसका मैं बानी भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है इसमें, खिदमत है और बेलॉस खिदमत। इसी तरह पीआरसी हेल्पलाइन जो मैंने इब्तदा की थी, उसकी फाउंडर ऑफ पीआरसी हेल्पलाइन, तो उस पे भी इतनी बेशुमार, ये समझ ले पीआरसी हेल्पलाइन का ही एक हिस्सा है ये प्रोग्राम। दुआओं में याद रखें, फी मान ला।